हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर समझाने वाला हूँ रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस से पहले भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूँ। वह आप देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रोलिंग प्रोसेस दिख रहा है, जो आज का टॉपिक है, उसमें आज मैं समझाने वाला हूँ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके बाद इसके डायग्राम को, उसके बाद फ्रेंड्स हम इसकी वर्किंग समझेंगे एक्चुअल एनिमेशन डायग्राम के थ्रू, इसके बाद इसके टाइप समझाऊंगा, उसके बाद जो इसकी रोलर का अरेंजमेंट होता है वह डिफरेंट टाइप्स का होता है उसको भी आज मैं समझने वाला हूँ, और इसके ड्राफ्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको भी आज समझूंगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले रोलिंग प्रोसेस को समझना। तो रोलिंग प्रोसेस फ्रेंड्स होती है एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। कौन सी है? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं किसी मेटल को अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रोलिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे मटेरियल जिनकी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज होती है। मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमें पीटने पर या दबाने पर वह अदर फॉर्म में चेंज हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। ऐसे मटेरियल को हम क्या करते हैं, दो रोलर के बीच में से पास कराते हैं। पास कराने का मतलब होता है फ्रेंड्स दोनों रोलर से हम प्रेशर लगाते हैं और उसके बीच में से मटेरियल गुजारते हैं। उससे क्या होता है, मटेरियल गुजरने के बाद उस पर जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर बोल सकते हैं उसकी थिकनेस कम होती है और उसकी लेंथ बढ़ती है। और दोनों रोलर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और उनके बीच से जैसे ही मेटल गुजरता है तो वह आगे की ओर बढ़ता है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर होता क्या है, ऐसा होने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी इसके ग्रेन्स होते हैं, वह कैसे होते हैं, बारीक बारीक हो जाते हैं। उससे क्या होता है, इसकी मैकेनिकल की स्ट्रेंथ होती है वह बढ़ती है मेटल की, और इसके अलावा उसकी जो मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज होती है वह भी इंप्रूव होती है। अब ये कैसे होती है इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको रोलर दिख रहे होंगे दो लगे हुए, दोनों की यहाँ पर ये डायरेक्शन शो करा रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। यहाँ पर हमने मान लिया ये हमारा कोई मेटल पीस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसी अदर फॉर्म में, ऐसा बोल सकते हैं शीट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रोलर के यहाँ से जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेस देते हैं हम, जितना हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका चाहिए उतना समथिंग इन दोनों रोलरों का स्पेस यहाँ पर सेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस जो यहाँ पर दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इतना है, इसको यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे और रोलर घूमेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्शन से थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने पर क्या होता है, इस पर पड़ता है प्रेशर, इस पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन ये वाला थिकनेस है या जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इधर का वह कम होता है और लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इस तरह हमारी प्रोसेस चलती है और इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी शीट में। अब इसको एक्चुअल अगर हमें प्रोसेस देखना है तो ये जो डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है इससे हम देखने की कोशिश करते हैं और पूरी वर्किंग समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा कि किस तरह का अरेंजमेंट होता है। जैसे मैं बता दूं, ये मोटर वगैरह इधर से लगी जाती है, इससे रोलर मूव करते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ये यहाँ पर क्या होता है, रोल्स हाउस हाउसिंग बोलते हैं या फिर स्टैंड बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है दोनों सपोर्ट के लिए लगे रहते हैं दोनों। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा भी है, ये दो रोलर लगे होते हैं जो यहाँ पर दिख रहा होगा, जहां रोल्स लिख दिया मैंने। ये ऊपर क्या होता है, एडजस्टिंग स्क्रू होता है। इस स्क्रू की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का जो गैप है वह कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एडजस्टिंग स्क्रू अगर आप अच्छा से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 5 नंबर लिखा हुआ है। इसकी सहायता से हमें क्या कर सकते हैं, ये रोलरों के बीच का गैप कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है इसको मूव करा के। तो फ्रेंड समझ में आया होगा एडजस्टिंग स्क्रू का फंक्शन
और इन रोलरों का फंक्शन। अब इसकी हम वर्किंग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे पूरी वर्किंग होती है। तो फ्रेंड्स यहां पर दो डायग्राम दिख रहे होंगे एक्चुअल रोलर कैसे होते हैं और कैसे हम इसकी वर्किंग करते हैं, समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि इनगॉट तैयार करते हैं। इनगॉट क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्टैंडर्ड वर्क पीस होता है जिसको जिस पर हमें वर्क करना होता है, तो उसको हम तैयार करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्लैब होता है, प्लेट होती है, सीट्स होती है, स्टेप होती है। अगर किसी चीज को हम स्लैब बोलते हैं तो उसका जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 10 × 1.5 इंच में। इसके अलावा आप प्लेट देखें तो लेस देन 6 mm थिकनेस हो तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं, और सीट की बात करें तो ये होती है ग्रेटर देन 6 mm और लेस देन 600 mm के बीच में। स्ट्रिप की बात करें तो ये होती है ग्रेटर देन 6 mm और भी विड्थ की थिकनेस की बात कर रहा हूं, विड्थ की बात करें तो ये भी ग्रेटर देन कितनी होती है 600 mm। इस तरह की हम क्या करते हैं स्ट्रिप या जिसे हम बोल सकते हैं इनगॉट तैयार कर लेते हैं। फिर इनको हम क्या करते हैं फ्रेंड, जैसा मैंने बताया रोलर क्या होते हैं, रोलर का जो गैप होता है इनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ सेट कर लेते हैं, और जितना मुझे कम करना है उसके अकॉर्डिंग इसमें पास हो सके, क्योंकि एक से कई बार भी पास कराना पड़ता है किसी मेटल को कन्वर्ट करने में, तो हम पास कराते हैं इसके अंदर। तो ये दोनों रोलर जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करते हैं, हम जो एडजस्टिंग स्क्रू लगाया था यहाँ पर उससे हम क्या कर सकते हैं इसका गैप कम ज्यादा करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर स्ट्रिप दिख रही होगी जो हमने बताया इनगॉट बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड वर्क पीस हमारा तैयार हो जाता है जिसमें हमें ऑपरेशन करना है, जिसे हम इनगॉट के नाम से जानते हैं। एक यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जिस तरह का हमें तैयार करना, तो इनको क्या करते हैं इन दोनों रोलरों के बीच में हम पास कराते हैं। जैसे यहाँ लगाएंगे जो रोलर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ये बाहर की ओर चलने लगेगा, तो उस तरफ निकलेगा, उस तरफ से निकाल के अगर इसका जितना हमें रिक्वायर्ड है क्रॉस सेक्शन एरिया कम करने की उतना नहीं होता तो फिर से हम इसके अंदर से पास कराएंगे। तो ऐसा बार बार पास कराने से क्या होता है, जितना हमें डिजायर्ड इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत है या इसकी लेंथ की जरूरत है उतना हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मल वर्किंग है फ्रेंड्स, समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की जो भी एक ड्राफ्ट का फॉर्मूला होता है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अरेंजमेंट दिखाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये दो रोलर लगे हुए हैं, यहाँ पर जो भी हमें मेटल है हमारा जिसकी हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना है या थिकनेस कम करना है, उसकी थिकनेस क्या मान ली मैंने एच आई मान ली, ठीक है। यहाँ पर वी आई क्या फोर्स लग रहा है जो इनिशियल स्टेट दिखा रहा है, आई क्या शो करा रहा है इनिशियल स्टेट, जबकि एफ ये वी एफ जो फोर्स है फाइनल वाला, ए एच एफ क्या फाइनल थिकनेस है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अब ये जो एंगल ए क्या होता है जहां पर हम इसको इंसर्ट कराते पीस को, उसके बीच का जहां पर कॉन्टेक्ट होता है रोलर से और जो हमारी ये जो हमारी एक्सेस है उसके बीच का एंगल देखें तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेट, एंगल ऑफ बाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये दिख रहा है इसको बोलते हैं नेचुरल प्लेन, ये जो हमारी ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं नेचुरल प्लेन। इसके अलावा यहाँ पर वी आई बता चुका हूं, मैं वी आई भी बता चुका हूँ, एच आई भी बता चुका हूँ, ये आई इनिशियल को शो करा रहा है, एफ क्या फाइनल को शो करा रहा है। तो इसका हम जो ड्राफ्ट निकालते हैं इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ थिकनेस रिडक्शन, ड्राफ्ट को क्या बोलते हैं जितने हमें थिकनेस रिडक्शन करना है। तो ये डी इक्वल टू क्या होता है एच आई माइनस एच एफ होता है। एच आई क्या है जब स्टार्टिंग में उसकी थिकनेस होगी, एच एफ क्या जब फाइनल हमारी थिकनेस कम होने के बाद जो बचेगी, दोनों का हमारा जो माइनस कर देंगे उसी को हम क्या बोलते हैं ड्राफ्ट बोलते हैं। यहाँ डिटेल्स में मैंने लिख भी दिया है। तो फ्रेंड्स अगर ड्राफ्ट निकालने को आता है तो आप समझ जाएंगे इस डायग्राम से, ये एंगल ऑफ विड्थ यहाँ पर लिखा है इसको जरूर समझ लें, ये जहां से टच करता पीस और जो हमारी एक्सेस है उसके बीच में एंगल होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके टाइप्स की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके दो टाइप्स हम समझने वाले हैं, हॉट रोलिंग प्रोसेस और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस। तो हॉट रोलिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स उसको सबसे पहले समझ रहे हैं। हॉट का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, हॉट का मतलब किसी चीज को गर्म करना, लेकिन यहाँ पर जिस मेटल को हमें किसी अदर फॉर्म में चेंज कर रहा है उसको कितना गर्म करते हैं, तो उसको करते हैं फ्रेंड्स कि वह मेल्ट ना हो, कैसा होना हो मेल्ट ना हो, पिघले नहीं, इतना गर्म हो जाए कि उस पर हम जब प्रेशर डालें तो वह किसी शेप एंड साइज में चेंज हो सके, उस टेम्परेचर को हम अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एवब द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब इतना टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पर वह मेल्ट नहीं होता है लेकिन अदर फॉर्म में चेंज हो सकता है अगर उस पर प्रेशर डाला जाए। तो फ्रेंड्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर समझ गए होंगे, दोनों डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर हॉट रोलिंग के अंदर लिखते हैं हम एवब द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और जबकि कोल्ड रोलिंग में लिखते हैं हम बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर।
ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आया तो इसमें करते क्या, इस डायग्राम के थ्रू समझते। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं, इतना गर्म कि यह मेल्ट ना हो, इतना याद रखें, मेल्ट ना, एकदम रेडिश हो जाए, यहाँ पर कलर दिख रहा है इस तरह एकदम रेड हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो बॉन्ड होते हैं कमजोर हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं कि जिसपे हम थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं वहां परिवर्तन हो जाता है, उनमें चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा अरेंजमेंट, ये दो हमने मान लिया रोलर लगे हुए, ये हमने कलर करके दिखाया, कोशिश की कि ये गर्म हुआ। ठीक है, ये गर्म होने के बाद का दो रोलर्स के बीच में से गुजारा, तो इसमें क्या होता फ्रेंड्स, कम प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी से ये परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसको हमने गर्म कर रखा, गर्म करने से क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड है कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ने के साथ क्या होता है, यह जल्दी से अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। तो जैसे ही हम इसका प्रेशर डालेंगे, ठीक है, वह क्या होगा, दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा, जिस तरह का हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो ओरिजिनल था उससे कम हो जाता है, ठीक है, और जिसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वह होता है प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज होता है, ना कि इसके रोलर हटाने से वह किसी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता। एक कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा हॉट रोलिंग के बारे में, कुछ वर्ड हमें याद रखना है, जैसे कि हॉट रोलिंग में क्या होता है, जो मेटल को होता है उसको गर्म कितना करते हैं, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यही वर्ड इसको डिफाइन करता है हॉट रोलिंग को। अब कोल्ड रोलिंग की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोल्ड रोलिंग। कोल्ड रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल को बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेटल पीस होता है उसको दो रोलरों के बीच से गुजारते हैं, जो दो रोलर होते हैं उनके बीच से गुजारते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें इसमें जब हम दो रोलर के बीच से किसी भी मेटल को हम गुजारेंगे या पास कराएंगे तो उसमें क्या होता है, फोर्स की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड होते हैं वह स्ट्रांग होते हैं, जो इनके अंदर ग्रेन्स होते हैं उसके बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रांग होता है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, दोनों रोलर पर अधिक प्रेशर लगाकर हम क्या करते हैं, इन दोनों रोलर के बीच से गुजारते हैं, जिससे किसी अदर शेप एंड साइज में चेंज हो सके। लेकिन इसको जब हम गर्म नहीं करते तो इसकी सरफेस फिनिशिंग भी कैसी रहती, अच्छी रहती है, और इसकी टॉलरेंस रहती है, जो इसकी डायमेंशन रहती है उसमें भी क्लोजनेस आती है और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें देख रहा होगा, आपको डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ, दो रोलर लगे हुए हैं, यहाँ पर शो कराया गया है फ्रेंड्स कि जो ये दिख रहा है डायग्राम, ये स्ट्रक्चर शो करा रहा है कि किस तरह के स्ट्रक्चर थे। इसके बाद जब दो रोलर के बीच से गुजारा, जो इस पर प्रेशर पड़ा, तो स्ट्रक्चर कैसे हो गए, पास पास हो गए, दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, एकदम हमारे प्रेशर कारण क्या, दब गए हैं। तो इनका स्ट्रक्चर दिखाया गया इस तरह के हो जाते, लेकिन इनके बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाते क्योंकि इसको गर्म नहीं किया हमने, तो और स्ट्रांग हो जाते, और इसके अलावा इसको जब गर्म नहीं करते तो इसकी सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है। और एक बात दो, अब हमें यहाँ पर दो बातें याद रखना है फ्रेंड्स, इसको हम किस कौन से टेम्परेचर पर प्रोसेस करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, लेकिन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसे नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात हमें याद रखना कि जो हमारा हॉट रोलिंग है उसकी तुलना में इसके ऊपर जो रोलर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं वह उसका प्रेशर कैसा रहता है, अधिक रहता है हॉट रोलिंग की तुलना में, क्योंकि जो उसमें गर्म होने के कारण क्या होता है, जल्दी से मेटल शेप एंड साइज में किसी अदर शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, इसको गर्म नहीं करते, नॉर्मल टेम्परेचर पर होता, नॉर्मल पीस होता, इस पर क्या होता है, अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है, तब इसको किसी अदर शेप एंड साइज में चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका जो अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स के रोलर होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है, इसको मैं बता दूं, डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे टू हाई रोलर, थ्री हाई रोलर, फोर हाई रोलर और क्लस्टर। जब फोर रोलर से अधिक करते हैं, सिक्स, जैसे सिक्स रोलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर रोलर। ठीक है, तो अब टू हाई रोलर को मैं अभी स्टार्टिंग में समझा रहा था कि दोनों रोलर कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, नॉर्मल हमारी प्रोसेस। लेकिन जब हमें अधिक स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, ठीक है, हमें ज्यादा क्या है, प्रेशर की आवश्यकता, तो हम क्या करते हैं, थ्री हाई रोलर का यूज करते हैं। थ्री हाई रोलर में क्या होता है, एक बीच में रोलर लगा रहता है, उसके आसपास दो बैकअप रोलर लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों ही की डायरेक्शन कैसी रहती है,
एक जैसी रहती, जबकि ये देख रहा है इन इस पे क्या करते, इसको ये दोनों पीस क्या होंगे, इधर की ओर बढ़ रहा है। ये क्या होगा जब ये इन दोनों की सहायता से मूव करता है, तो दोनों की ये रोलर की और इस रोलर की जो स्ट्रेंथ होगी, दोनों किस पे प्रेशर डालते हैं, इस पे। तो इसकी वजह से इसका जो एरिया होता है उस पे अधिक प्रेशर पड़ता है, और इसका जो भी इसके में रिडक्शन होता है थिकनेस में, वो है अधिक से अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझ में आया होगा। फोर हाई रोलर, जब हमें बारीक मतलब डायमीटर की जरूरत हो, बहुत मतलब बारीक डायमीटर हो, कहने कह सकते हैं मिनिमम डायमीटर हो, जब हमें इन थ्री हाई रोलर से क्या हो रहा है, इस सही से फिनिशिंग सही नहीं आ रही हो और हम उस डायमीटर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, जब हमें कम से कम मिनिमम डायमीटर कम करना हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कम करना हो, और ठीक है पतले से पतला हो, ऐसा कह सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, फोर हाई रोलर का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, दो बेकअप रोलर होते हैं, दो स्मॉल रोलर होते हैं। स्मॉल रोलर क्यों यूज करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहा होगा हमें क्या है, हमारे पास सीट क्या होती है, वो पतली होती है, और उसको हमें क्या करना, और थिकनेस में छोटी, कम से कम थिकनेस में उसको कन्वर्ट करना है, इसे कह सकते हैं पतली से पतली सीट बनाना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे रोलर यूज करते हैं, ये दो बैकअप रोलर होते हैं, और इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, इन दोनों पर प्रेशर डालते हैं, और इनके रोलर के जो भी इसका डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग इस पर प्रेशर पड़ता है, और इसका सीट का रिडक्शन होता है, इसका एरिया का और लेंथ बढ़ती है। इस तरह ये होता है क्लस्टर रोलर। कौन सा होता है फ्रेंड्स, क्लस्टर रोलर। तो क्लस्टर रोलर यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें क्या किया मैंने फ्रेंड्स, सिक्स रोलर यूज किए, और भी अधिक बारीक और स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, और अधिक बारीक और स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, तो हम क्या कौन से यूज करते हैं, क्लस्टर रोलर का यूज करते हैं। क्लस्टर रोलर यहाँ पर दिख रहा होगा कि जिसमें सिक्स रोलर का अरेंजमेंट है, सिक्स रोलर में क्या किया, और अधिक प्रेशर की आवश्यकता है, तो हमने क्या किया, दो ऊपर लगा दिए, दो रोलर नीचे लगा दिए, इनके सपोर्ट से इनकी स्ट्रेंथ जो ऊपर के प्रेशर से, दोनों छोटे रोलर पे क्या है, अधिक से अधिक प्रेशर पड़ रहा है, और इस सीट को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम था रोलर्स के अरेंजमेंट का, कि किस तरह हम स्ट्रेंथ और पावर का यूज करके हम सीट को अधिक से अधिक कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली से पतली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।